और लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए आज अरदास की जा रही है। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगी। यहीं से किसान मोर्चा आंदोलन की रणनीति तय हो रही है। प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचने वाली हैं और वहां हिंसा में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होंगी। आज अस्थि कलश यात्रा भी निकाली जानी है। इस कार्यक्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर पीएसी और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। हजारों किसान इस सभा स्थल पर पहुंचे। लखीमपुर खीरी के उसी टुकड़िया गांव में जहां 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी, इस वक्त आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर जो किसान इस पूरे हिंसा में मारे गए थे उनकी आत्म शांति के लिए अरदास की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि देश भर से जो किसान और किसान नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक जो है आपको टेंट और किसान ही किसान नजर आएंगे। लखीमपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। टिकैत की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचे। अरदास का कार्यक्रम रखा गया, पूरा बताइए क्या है? शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाशमान है, अंतिम अरदास होगी सामूहिक रूप से सारे शहीदों की, किसानों की और पत्रकार रमन कश्यप, उसी की यहाँ पे तैयारियां में आज बड़ी मात्रा में मजदूर किसान यहाँ पहुँचे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।